अर्जुन अर्जुन अर्जुन, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये नाम अभी काफी ट्रेंड पे है। हमारे मतलब बाप को मत सिखा चल। क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे ऑडियंस अभी काफी डर चुकी है। You don't always need to get your hands dirty and you don't always need to get into everything, but I think somewhere हमी ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया है। अब लोगों को आदत, आप जब थोड़ा ज्यादा सहन कर लेते तो फिर वो ज्यादा ही होने लगता है आपके साथ। And I completely agree with you that we need to come together and do something very genuine. अब ऐसा लग रहा है जब अब इनकी फिल्में थिएटर में लगेगी तो आपको आपके घर से जबरदस्ती जाकर इनकी मूवी की टिकट खरीदने पड़ेंगे। ऐसा ही पैसा होगा, क्योंकि इन्होंने तो अब खुला चैलेंज कर दिया है कि अब हम लोग बहुत बर्दाश्त कर लिए हैं, अब टाइम आ गया है कि सारे बॉलीवुड अब एक साथ आए और इन्हें जवाब दे। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हमारी पावर, आपको तो पता ही है कि इनकी कैरियर की 15 में से 11 फिल्में फ्लॉप ही गई है। और हाल ही में लगी फिल्म एक विलियन रिटर्न्स का भी हाल उन्हीं में से एक था। मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे अर्जुन कपूर की डेब्यू फिल्म ही कुछ ठीक लगा था। बाद वाकई फिल्म अब कब आती है कब चली जाती है ये पता भी नहीं चलता है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता फिल्में फ्लॉप हो या ना चले, लेकिन इनको अवार्ड की कमी नहीं होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही। जी सिने अवार्ड, मोस्ट एंटरटेनिंग अवार्ड, ऑन स्क्रीन कपल अवार्ड और जोड़ी ऑफ द ईयर। वहीं दूसरी तरफ टैलेंटेड एक्टर को नॉमिनेट तक नहीं किया जाता है। अगर आप आउटसाइडर हैं और फिल्म हिट हो जाती है तो उसके क्रेडिट भी नेपोटिज्म किड ही ले जाते हैं। आप केदारनाथ मूवी तो देखे होंगे जिसका बजट सिर्फ 35 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर लेता है और हिट हो जाता है। उस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत सर का कोई तारीफ ही नहीं किया था। दूसरी ओर सारा अली खान की एक्टिंग की तारीफ पूरे बॉलीवुड में हो रहा था। वो इंडस्ट्री जहां आउटसाइडर अपने बलबूते अपना नाम बनाता है, वहीं दूसरी ओर नेपोटिज्म उससे उसका काम तक छीन लेते हैं। आपको पता नहीं, याद है या भी नहीं, अर्जुन कपूर की एक फिल्म आई थी हाफ गर्लफ्रेंड, जिसका मेन लीड होने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया जाता है और अर्जुन कपूर को साइन कर लिया जाता है। फिल्म को रिलीज किया जाता है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। बॉलीवुड में अभी भी एक्टर बचे हुए हैं जो आउटसाइडर हैं, लेकिन पता नहीं वो कब तक टिक पाएंगे। अर्जुन कपूर की एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अर्जुन कपूर ने रेडियो मिर्ची वाले जॉकी को थप्पड़ मारे थे और लास्ट में कहते हैं, इट्स जस्ट अ प्रेल फूल। अर्जुन कपूर को नेपोटिज्म किंग इसलिए बोला जाता है कि उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चले या रेंगे, उनको फिल्मों की कमी नहीं होती है। जैसे अभी एक बिलियन रिटर्न्स फ्लॉप हुई है, लेकिन उनकी अपकमिंग फिल्म द लेडी किलर और कुत्ते रिलीज होने के लिए तैयार है। फिलहाल बॉलीवुड में अर्जुन कपूर और नेपो किड रणबीर कपूर दोनों का हाल सेम ही है। रणबीर कपूर की एक फिल्म आई थी ए जवानी है दीवानी, उस फिल्म के सारे गाने हिट हुए थे और फिल्म को भी सुपर हिट माना जाता है, लेकिन इन पिछले 10 सालों में रणबीर कपूर की फिल्में बेशरम, बॉम्बे वेलवेट, जिसे लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, जिसमें करण जौहर भी रणबीर का साथ दिए थे, और हाल ही में आई फिल्म शमशेरा जिसका बजट 180 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर वो 80 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाता है और बॉक्स ऑफिस पर तमाशा बनकर रह जाता है। फिर भी रणबीर कपूर को फिल्मों की कमी नहीं रहती है। उनकी आने वाली अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र है, जिसे ए जवानी है दीवानी के डायरेक्टर आयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसे रणबीर कपूर का कैरियर सेविंग फिल्म भी आप बोल सकते हैं। और इस फिल्म से बॉलीवुड वालों को काफ़ी उम्मीद भी है, क्योंकि इसमें नागा अर्जुन और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सुपरस्टार भी हैं, लेकिन लोगों में भी इस फिल्म को लेकर कोई उत्साह देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि जिस तरह साउथ की फिल्मों का लोगों पर क्रेज चढ़ा है और साउथ की फिल्म लगातार हिट पर हिट होती रही है, उससे मुझे तो यही लगता है कि ये फिल्म भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाएगी। क्योंकि जिस तरह अभी लाल सिंह चड्ढा का बॉयकट हुआ है, उससे साफ पता चलता है कि लोगों के पास बॉलीवुड की फिल्मों के लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड के हीरो सिर्फ फिल्म बनाने में बिजी हैं और साल में 3 या 4 फिल्म तो कर ही देते हैं। बॉलीवुड वाले फिल्म में अपना ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते, उस पर मेहनत करना नहीं चाहते और चाहते हैं
उनकी फिल्म भी साउथ की फिल्मों की तरह सुपर हिट हो जाए। उन्हें समझ नहीं आता है कि जो साउथ के एक्टर हैं वो कितना टाइम लेते हैं एक फिल्म को करने के लिए, और अपना 100% कैसे देना है वो जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो यूं ही नहीं कमल हसन 67 साल के उम्र में विक्रम जैसे फिल्म को लाते और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो जाती है। और ये साबित कर देते हैं कि अगर कंटेंट में दम हो तो फिल्म को रिलीज करने के लिए किसी डेट का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। मेरा ओपिनियन लास्ट में बॉलीवुड वालों के लिए यही रहेगा कि सीखो बॉलीवुड वालों, कुछ तो सीखो। चलो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।